मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। जैसा कि पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 14 और 15 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो क्या उन स्त्रियों का उद्धार हो चुका है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं परंतु उनके संतान हैं? और क्या उन स्त्रियों का उद्धार नहीं हुआ है जिनके संतान तो नहीं हैं परंतु उन्होंने यीशु मसीह को संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं? दरअसल पवित्र बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है, इसलिए जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ें कि बाइबल का वचन किस स्त्री के विषय में कह रहा है। बाइबल एक आत्मिक किताब है और आत्मिक किताब को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल को शरीर के अनुसार पढ़ेंगे तो हम इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और बाइबल में छुपे हुए तमाम रहस्य और उनके सच्चाई से अनजान रह जाएंगे। इसलिए तो आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, साइंटिस्ट, नेता लोग भी बाइबल पढ़ते हैं परंतु उनके सही अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर बाइबल को पढ़कर सभी लोग समझ जाते तो ना तो कलीसिया को उपदेशक का ज़रूरत पड़ता और न ही किसी प्रचारक का ज़रूरत पड़ता, और न ही अज्ञानी लोग ये कहते कि मनुष्य पहले बंदर था, और न ही साइंटिस्ट लोग एलियन को दूसरे ग्रह में ढूंढने के लिए अरबों खरबों रुपये बर्बाद करते, और न ही बड़े बड़े अधिकारी काम को बिगाड़ने के लिए घूस लेते। हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसे ठीक रीति से समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और नम्रता और दीनता के साथ वचनों को धीरे धीरे समझ समझ कर पढ़ें। तब महान परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए हमें सद्बुद्धि देगा। चलिए अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचनों के माध्यम से जानेंगे कि स्त्री बच्चे जनने के द्वारा कैसे उद्धार पाएगी और परमेश्वर ने सांप और स्त्री के बीच में दुश्मनी क्यों करा दिया। पहले तो हवा और सांप आपस में बातचीत किया करते थे और हवा बुद्धि की बातें सुनने के लिए सांप के पास आया करते थे, परंतु परमेश्वर ने सांप और हवा के बीच में बैरता उत्पन्न कर दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सर्प से कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परंतु सांप तो पुरुष को भी डसता है और पुरुष सांप के सिर को लाठी डंडे से मारता है, लेकिन परमेश्वर ने तो सिर्फ स्त्री और सांप के बीच में ही बैरता उत्पन्न किया था, तो फिर पुरुषों को सांप क्यों डस लेता है और पुरुष लोग सांप को लाठी डंडे से क्यों मारते हैं? दरअसल महान परमेश्वर के वचन में स्त्री का उल्लेख कलीसिया से है और आदम का उल्लेख प्रभु यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि यीशु ही आत्मिक आदम है अर्थात स्वर्गीय आदम है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तब शैतान ने यीशु का परीक्षा करके उसे बहकाने का बहुत प्रयास किया, परंतु यीशु शैतान के बहकावे में नहीं आया। इसलिए बाइबल कहती है कि आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, जैसे कि आज कई सारी कलीसिया शैतान के बहकावे में आकर बहक गई है। जैसे कि परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचनों में कह दिया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना अपने लिए कोई प्रतिमा बनाना और ना उनकी उपासना करना, फिर भी आज कई चर्च, कई कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति, माता मरियम का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, जबकि ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है।
आज कई कलीसिया तो ऐसे भी है जो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आ चुका है। चलिए अब हम आगे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मसीह यीशु में उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली को ही कलीसिया कहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया मत बहके, शैतान के बहकावे मत आए। मसीह यीशु में उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली को ही कलीसिया कहते हैं, और कलीसिया में स्त्री और पुरुष दोनों पाए जाते हैं, और सांप का उल्लेख शैतान से है। इसलिए आज कलीसिया और शैतान के बीच में जबरदस्त आत्मिक युद्ध चल रहा है। जैसे जैसे कलीसिया पवित्रता में बढ़ना चाहती है, वैसे वैसे शैतान कलीसिया के लोगों को शरीर के पाप में फंसा कर गिराना चाहता है। कलीसिया ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शैतान के सारे काम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नष्ट हो जाते हैं। कलीसिया पर शैतान वार करने की कोशिश तो करता है, परंतु यीशु अपनी कलीसिया को कुछ होने नहीं देता, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है, यीशु का स्त्री है। इफिसियों 5:23 आयत में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। इसलिए आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर छुटकारा पाते हैं। कई लोग नाना प्रकार के बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, तो कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, और कुछ लोग नशे पानी से, तो कुछ लोग गलत चाल चलन से छुटकारा पाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने सांप से कहा था कि स्त्री तेरे सिर को कुचलेगी, अतः जब कलीसिया बुराई और अशुद्धता के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलती है, तो इसका मतलब वह शैतान के सिर को कुचलती है। रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया अपने पवित्र चाल चलन से शैतान के कामों का नाश करे। भजन संहिता 8 में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यहाँ पर जो सिंह और जवान सिंह का उल्लेख लूसिफर शैतान से है, जो हर वक्त मसीहों की ताक में लगा रहता है, और जैसे ही कोई मसीही या विश्वासी प्रभु यीशु की संगति से या कलीसिया से अलग रहना शुरू कर देता है, तब शैतान उनके जीवन को सिंह के समान फाड़ डालता है। हम ये न कहें कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, बाइबिल नहीं पढ़ूंगा, वचन नहीं सुनूंगा तो क्या होगा। तो बाइबिल इनके विषय में कहता है, 1 पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लूसिफर शैतान कलीसिया के लोगों को निरंतर फाड़ने की ताक में लगा रहता है कि कहीं कोई मसीही या विश्वासी कलीसिया को छोड़कर, स्वर्ग राज्य की संगति को छोड़कर यीशु के झुंड से बाहर तो नहीं आ गए, और जैसे ही कोई मसीही या विश्वासी यीशु की संगति से, प्रार्थना से, आराधना से दूर होकर सांसारिक जीवन जीने लगता है और अपने मन को यीशु से फेर कर संसार से और सांसारिक चीज़ों से प्रेम करने लगता है, तो ऐसे ही लोगों के जीवन को शैतान सिंह के समान फाड़ना शुरू कर देता है। भजन संहिता में नाग और अजगर का उल्लेख पुराने सांप से है। ये वही पुराना सांप है जिसने हव्वा को बहकाया था। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 20:2 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, उसने उस अजगर को, अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। इसीलिए जब कलीसिया पवित्र आत्मा के चलाए चलती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलती है, तो वह शैतान के सिर को कुचलती है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हम जानते हैं कि शैतान अधिकतर हमारे शरीर को पाप में फंसाने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कि यदन की वाटिका में परमेश्वर ने सांप से कहा था
कि तू स्त्री के एड़ी को डसेगा। इसलिए आज शैतान कलीसिया के लोगों के मार्गों को अधर्म के रास्ते पर ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। कलीसिया के लोगों को अधर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए शैतान मनुष्यों के दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो है मनुष्य का मन और उनका शरीर। अतः शैतान मनुष्य के मन को बहकाकर उनके शरीर को पाप में फांसता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा मन ही है। मन करता है तो खाना खाते हैं और मन नहीं करता तो नहीं खाते। मन करता है तो घूमने जाते हैं और मन नहीं करता तो नहीं जाते। और मन करता है तो चर्च जाते हैं और मन नहीं करता तो चर्च नहीं जाते। जब मन करता है तब बाइबल पढ़ते हैं और यदि मन नहीं करता तो बाइबल नहीं पढ़ते। इसलिए हमारे शरीर को हमारा मन ही चला रहा है। तभी तो बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कोई भी स्त्री अपने पति को पूरे मन से या सच्चे मन से प्रेम नहीं करती तो इसका मतलब उसका प्रेम झूठा है। वैसे ही कलीसिया भी यीशु की दुल्हन है, और जो कलीसिया यीशु को सच्चे दिल से प्रेम नहीं करती तो इसका मतलब उसका प्रेम झूठा है। और बाइबल कलीसिया के लोगों से कहती है कि तू अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। अतः आज जो मसीह कहते हैं कि आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, वचन सुनने का मन नहीं है या चर्च जाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब उनके मन को शैतान ने डस लिया है। और दूसरा ये है कि शैतान हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, ताकि हम शरीर की अभिलाषा में फंसकर अधर्म में गिर जाएं, अधर्म के रास्ते पर चला जाएं। अतः जिस दिन से हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है उसी दिन से हमने अपने शरीर और अपने शरीर के तमाम अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, ताकि शैतान का हम पर कुछ भी दाव ना चले। जैसा कि गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। और गलातियों 5:24 में भी कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और हम जानते भी हैं कि बाइबल में कलीसिया को यीशु का दुल्हन भी कहा गया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19:7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर कुर्बान हुआ उसी दिन उसने शैतान के अर्थात सांप के सिर को कुचल दिया था। उसी दिन से सांप के सिर पर घाव बन गए हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 12:3 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे और उनके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और इसी संदर्भ में प्रकाशित वाक्य 13:3 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा कि मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। यहाँ पर जो पशु का जिक्र हुआ है वो सांप के लिए हुआ है, तो याद कीजिए उत्पत्ति में सांप को पशु कहा गया है। आज उसके सिर के घाव इसीलिए अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आज के बहुतेरे कलीसिया पवित्रता के जीवन को छोड़कर संसार की चकाचौंध दुनिया में खो रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के बहुतेरे मसीह यीशु को अपनाकर
सांसारिक जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज शैतान के सिर में घाव नहीं है, आज भी शैतान के सिर में घाव है, परंतु जब कलीसिया के लोग पाप में जीवन बिताने लगते हैं तब शैतान के घाव अच्छे होने लगते हैं। परंतु यदि कलीसिया के लोग पवित्रता में जीवन बिताने लगते हैं, पवित्रता में जीवन बिताते हैं, तो इससे शैतान के सिर के घाव और भी बढ़ने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कब और कैसे कुचला था, यह मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। कई बार कलीसिया मनुष्यों से लड़ बैठती है, या फिर कहें कि मसीही विरोधियों से लड़ बैठती है। देखिए, मसीही विरोधियों से क्या लड़ना, वे तो मनुष्य ही हैं, क्योंकि पहले से ही उनका जीवन नाश के कगार पर है। फिर उन्हें नाश करने के लिए हम उनका विरोध क्यों करें? हमें तो उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनका भी जीवन यीशु मसीह में बच सके। जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है कि मैं मनुष्य से सदा वाद विवाद करता न रहूँगा, और वही परमेश्वर आज कलीसिया में है। इसलिए कलीसिया किसी मनुष्य से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जगत के लोगों को बचाने के लिए संसार में आया, तो फिर कलीसिया मनुष्यों से लड़ाई झगड़ा कैसे करेगी। बल्कि कलीसिया तो खुद ही दुख उठाकर मनुष्यों के जीवन को बचाती है। दरअसल कलीसिया की लड़ाई अर्थात यीशु के दुल्हन की लड़ाई शैतान से है। जैसे कि हम इफिसियों 6:12 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि कलीसिया की लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा था, जब लूका रचित सुसमाचार 10:17 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले प्रचार करके वापस लौटे, तो बड़े ही खुशी और आनंद के साथ प्रभु से मिले और प्रभु यीशु से कहने लगे कि हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसलिए जब कलीसिया प्रार्थना करती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में उसके पवित्रता में आगे बढ़ती है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों में सुनाती है, तब शैतान के काम आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं और शैतान फिर वहाँ से गिराया भी जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसलिए जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हुए विश्वास में आगे बढ़ती है और यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाती है, तो शैतान के सारे काम नाश होते हैं। और यहाँ पर लिखा है, तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का, तो यह बात परमेश्वर ने पहले से ही उत्पत्ति में कह दिया है सांप से कि स्त्री तेरे सिर को कुचलेगी। तो स्त्री का अर्थ है कलीसिया। तो कलीसिया जब प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़ती है, उसके काम में आगे बढ़ती है, तो वह शैतान के सिर को कुचलती है, तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसलिए कलीसिया एवं कलीसिया के लोग क्रोधी नहीं होते, परंतु वे सब बातों में संयम करते हैं। दुख के समय ज़्यादा रोते नहीं हैं, सुख के समय ज़्यादा हंसते नहीं हैं,
क्योंकि दुख भी ज़्यादा दिन के नहीं रहते और सुख भी ज़्यादा दिन के नहीं रहते। इसलिए कलीसिया एवं कलीसिया के लोग दुख हो या सुख या छोटी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हर बातों में संयम बरतते हैं और अंतिम सांस तक प्राण देने तक विश्वासी बने रहते हैं और यीशु मसीह के विश्वास में बने रहते हुए यीशु को सच्चे दिल और सच्चे मन से प्रेम करते हुए परमेश्वर के पवित्रता में स्थिर रहते हैं। तो जो कलीसिया हर बातों में संयम बरतेगी, प्राण देने तक विश्वासी बने रहेगी, अंतिम सांस तक विश्वासी बने रहेगी और प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में स्थिर रहेगी, वही कलीसिया शैतान के सिर को कुचलेगी। परंतु जो कलीसिया पवित्रता के मार्ग से भटक जाएगी, संयमता से भटक जाएगी, विश्वास से भटक जाएगी, तो इसका मतलब उसको शैतान ने डस लिया है। तो आज हर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्राण देने तक विश्वासी बने रहे, अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी बने रहे और हर बातों में संयम करे, दुख के समय संयम करे, सुख के समय संयम करे और परमेश्वर के पवित्रता में स्थिर रहे। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। आगे के बाइबल स्टडी में हम परमेश्वर के और वचनों को सीखेंगे, जानेंगे। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।